हेलो एवरीवन, आज के चैप्टर में लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर मात्रा क्षितीय अध्याय के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द चैप्टर। मात्रा क्षितीय जैसे डिनोट करता है विद इट्स नेम कि कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, इज द कैलकुलेशन ऑफ द सेम। तो जैसे कि पहले श्लोक में लिखा गया है आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षणी। इसका मतलब ये कि जो आहार की मात्रा है वो अग्नि और बल की अपेक्षा करते हैं, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो इसमें कितना मतलब किसको गुरु आहार कहेंगे, किसको लघु आहार कहेंगे, इसके बारे में भी बताया गया है। तो जैसे कि शाली शिष्टि मूर्धन लावक पिंजल शरभ श्रम्बर, ठीक है, ये सारी जो होते हैं ये हमारे लघु द्रव्य होते हैं, ठीक है। ये मात्रा जो होती है इनकी लघु मात्रा में कंसिडर की जाती है, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गुरु में जो होते हैं जैसे लघु द्रव्य हैं तो उसमें वायु अगुण वायु अग्नि गुण होता है और पृथ्वी सोम गुण किसमें है गुरु में, ठीक है। तो यहाँ हमें बताया गया कि लघु में कौन से आएंगे तो वायु अग्नि, ठीक है, और पृथ्वी और सोम किस में आएगा गुरु में, ठीक है। और लघु के लिए लिखा गया है संदूषण करता है, लघु संदूषण स्वभाव यानी कि अग्नि को बढ़ाता है और जबकि गुरु क्या होता है अग्नि को कम करता है, ठीक है। और आहार मात्रा हमें इस तरीके से करनी चाहिए जो प्रकृति को किसी भी तरीके से हानि ना पहुँचाए। तो प्रकृति अनुपत इस तरीके का भोजन हमें मात्रा में करना चाहिए। तो क्या ऐसा मात्रा जो है वो भी बताया गया है। चरक आचार्य चरक ने यहाँ पर बताया है कि जो लघु आहार है उसको जितना पेट भर जाए हमारा उसे बहुत ज़्यादा सौहित्य मतलब बहुत ज़्यादा ही पेट भर के नहीं खा लेना चाहिए और जो हमारा गुरु है उसको पेट भरने के जैसे तीन भाग होता है ना तो त्रिभाग सौहित्यम कि पेट भरने वाला हो तो उसकी थोड़ा सा पहले त्रिभाग में खाना चाहिए। जैसे जितना बड़ा पेट है तो तीन चौथाई भाग में हमें आहार करना चाहिए और लघु के लिखा है कि ना अति सौहित्यम, ठीक है। और अब इसके बारे में बात इसके बाद बात करते हैं बल वर्ण सुख आयुषा। ये तीन चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई है कि अगर हम प्रॉपर मात्रा में खाना खाते हैं तो वो हमारे प्रकृति को अनुपत्य नहीं करता, अनुपत्य से प्रकृति और बल वर्ण सुख आयुष बल वर्ण और सुख आयु को देता है। कुछ ऐसे आहार बताए हैं इन्होंने जो कि गुरु हैं और जिनका सेवन हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, जैसे कि तंदुल पृथुक बल्लू शुष्क साग सूखे अशाक शालू कुर्तिका किलाट गव्य और महिष का मांस शौकर यानी कि सुअर का मांस यवक यवक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यवक हमें डेली बेसिस पर नहीं खाना चाहिए जबकि यमान हमें पथ्य होता है, ठीक है। तो यवक डेली बेसिस के लिए मना किया गया है जिनका रेगुलर सेवन नहीं करना है और यवान के लिए कहा गया कि इनका रेगुलर सेवन ठीक होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और क्या बताया गया अंतरिक्ष पय। अब नेक्स्ट आते हैं तच नित्यम प्रयोजितम, इनका नित्य प्रयोजन कर सकते हैं, ठीक है। अब स्वस्थ का एक कंसेप्ट आया है यहाँ पे कि अत ऊर्धम शरीर से कार्यम अक्षय अंजनम माधिकम स्वस्थ वृत्त अभिवृत्ति गुणतः स्व प्रवक्षते। मतलब स्वस्थ वृत्त का स्टार्टिंग हो रहा है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अंजन के बारे में और उसके बाद बाकी चीज़ आएंगी। तो अंजन के बारे में लिखा गया कि स्वविरंजनम नित्यम हितम अक्षरों प्रयोजित, यानी कि स्वविरंजन को नित्य प्रयोग करना चाहिए और पाँच और आठ रात्रि पर श्रवण के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, श्रवण के लिए प्रयोग करना चाहिए रसांजन का और स्वव्यंजन का नित्य। फिर उसके बाद चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्म तो भयम दिवा तत् प्रयोक्तव्यम नेत्र तीक्ष्ण अंजनम। देखो दिन में कभी भी, ठीक है,
क्या लिखा गया है, तन्ना, यानी कि नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो दिन में कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए किसका, तीक्ष्ण अंजन का, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने पे जो हमारा दृष्टि होता है वो दुर्बल हो जाता है और डायरेक्ट सनलाइट से उसको हानि हो सकती है। इसके लिए हमें कभी भी दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया है कि अगर हम अंजन देते हैं तो ये श्लेष्महार होता है और दृष्टि प्रसादन कर्म करता है। अब हम बात करते हैं धूम प्रयोग। तो धूम प्रयोग यानी कि अंजन के बाद बारी आती है धूमपान की। तो धूमपान के लिए सबसे पहले धूम प्रयोग का, किस चीज़ का धूम हमें दे सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हरिण इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी का, केशर, बाकी सब लाइक मधु, गूगल एक बार पढ़ने से ठीक रहेगा, नगरोध, उदुम्बर, इस तरीके से। सी एज यू कैन सी कि इसमें नगरोध भी है, उदुम्बर भी है, प्लक्ष, वर्क, ये सब है, दैट इज पंचवर्कल के द्रव्य दे रखे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं स्नेही धूम की। तो तीन एज वी नो कि धूमपान में तीन तरीके के धूमपान होते हैं, वैरेचनिक, स्नेहिक, और उसके बाद शिरो, एक तो शिरो विरेचनिक हो गया, स्नेही धूमपान और प्रायोगिक धूमपान, ठीक है। तो जो हमारा प्रायोगिक धूमपान है उसके लिए लिखा गया है कि हमें जो वर्टी है उसको किस तरीके से बनाना है। तो इन सब की वर्टी बना के सुखा के उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कि बिल्कुल भी सनलाइट ना हो और वात भी नहीं आता हो, ठीक है। निगर्भा तम वर्ती धूम, और उसको कितनी बार, तीन तीन इंटरवल्स पे तीन बार पीना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्नेही धूमपान की। तो एज स्नेह है तो स्नेह में ऑब्वियसली वह सघृत, मधु चीज, यानी कि मोम, ये सारी चीजें आएंगी और उसको मिला करके स्नेही धूमपान देना है। शिरो विरेचनी के लिए श्वेता, ज्योतिषमती, हरताल, मनशीला, ठीक है। धूमपान के गुण क्या होते हैं इसको पीने से, तो गौरव, शीर्ष, शूला, पीना, सरसा, वेद के फर्स्ट ध्यान रखना है। फिर उसके बाद श्लेष में प्रसिक, वैरस्य, गलशुंडी, ठीक है। और उसके बाद धूमपान से जो हमारे अति निद्रता है ये ठीक होता है, शिरो शिरो रुक, ठीक है। वात का फात्मनो बलिनो ऊर्ध्व जंतु के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब उसके बाद धूमपान के कितने काल बताए गए, तो आठ काल बताए गए हैं। कौन कौन से, तो वैसे बेसिकली तो सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आठ काल बताए गए हैं। तो जैसे स्नान के बाद, भोजन करने के बाद, ठीक है, दातौन करने के बाद, वमन करने के बाद, नावन अंजन करने के बाद, निद्रा अंते, इस तरीके से आठ काल जो होते हैं उसमें बताए गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कब कब धूमपान पीना चाहिए। तो धूमपान पीने के प्रायोगिक के दो काल हैं, ठीक है, स्नेह के एक है और विरेचनिक के तीन है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो धूमपान है उसको नासा से लेकर के, है ना, और फिर घ्राण मतलब मुंह से बाहर निकालना होता है, ऐसा नहीं होता है चाहे आप कंठ से ले रहे हो या चाहे नासा से ले रहे हो, निकालना हमें हमेशा कंठ से ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसे नहीं किया तो प्रतिलोमम गतो आशु रूमो हिंस्यात चक्षुषी, अगर हम नाक से बाहर निकालेंगे तो हमारे आईज में यानी कि चक्षु में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके वो लंबाई बताई गई है, तो जो नेत्र की लंबाई है वो 24 अंगुल होनी चाहिए विरेचन के लिए, 32 अंगुल बताई गई है स्नेहन के लिए, और प्रायोग के लिए बताया गया है 48, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं,
शुद्धा स्वरो यस्य कंठस्य कफो भवति में, तो अगर शुद्धि नहीं हुई है, ठीक तरीके से धूमपान नहीं हुआ है, तो कंठ में कफ और स्थैमित्य स्थैमित्य रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद धूम में अत्यर्थ निषेधती, इसका क्या मतलब है, अगर धूम बहुत ज़्यादा ले लिया है तो तालू मूर्धा, कंठ में शोष, तिपित और तृष्णा मूर्छा, इस तरीके का लक्षण दिखेगा। ठीक है, अब नस्य, नस्य की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज नस्य के आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे नस्य, अणु तेल क्या है, कैसे बनता है, क्या फायदे हैं, दंत धावन आदि।